इस वीडियो में हम बात करेंगे हम टर्मक्स का फंड कलर और थीम कलर को कैसे चेंज कर सकते बोलकर। बहुत आसान है यहाँ पर, देखो मैं पहले से ही फंड कलर और थीम कलर को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे कैसे कर सकते बोलकर। पहले हम प्रैक्टिकल से कर दिखाऊंगा तुम्हारे को। देखो यहाँ पर मैं मोर पर क्लिक करूँगा, पर स्टाइल पर क्लिक करूँगा, अब चूज कलर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर बेस 16 पर करूँगा, यहाँ पर कलर चेंज हुआ। देखो ऐसे ही और दूसरा कलर को चेंज करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर ऐसे देखो कलर चेंज हुआ। देखो ऐसे मैं कौन सा भी कलर को यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर इस कलर को करूँगा, इस कलर को करूँगा, यहाँ पर कलर चेंज हुआ। देखो और एक दूसरा कलर का करूँगा ऐसे सिंपल सिंह, इस कलर चेंज हुआ। देखो अब फंड कलर चेंज करूँगा, फंड फेरा गोल्ड, यहाँ पर देखो और एक दूसरा करूँगा फेरा करूँगा। देखो चेंज हो रहा, देखो डी टू कोडिंग चेंज हो रहा। देखो और करूँगा यहाँ पर रोबोट करूँगा, देखो रोबोट कैसा हो रहा। देखो ऐसे ही तुम भी चेंज कर सकते हैं, मैं और दूसरा करूँगा विक्टर मोरो करूँगा, यहाँ पर देखो चेंज हो रहा ना ऐसे ही कलर, तुम भी कर सकते हैं बहुत आसान से। ऐसे ही टर्मक्स में कलर चेंज करने के लिए तुम पहले क्रोम ब्राउज़र में जाओ, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद टर्मक्स को डाउनलोड करो, क्योंकि तुम प्ले स्टोर से टर्मक्स डाउनलोड करो तो प्ले स्टोर में टर्मक्स अपडेट नहीं है, इसलिए तुम क्रोम ब्राउज़र में जाको एप ड्राइव बोलकर मारो, इस वेबसाइट से टर्मक्स को तुम डाउनलोड करो, क्योंकि ये वेबसाइट अपडेट टर्मक्स देगा तुम्हारे को। यहाँ पर देखो फाइंड ऐप से रहता ना, उस पर टर्मक्स बोलकर क्लिक करो, टर्मक्स बोलकर क्लिक करो, टर्मक्स बोलकर यहाँ पर सर्च करो। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास टर्मक्स आ रहा है, देखो उस टर्मक्स इस यहाँ पर देखो इस टर्मक्स यहाँ पर एमुलेटर, उस पर जाकर इस टर्मक्स ऐप को तुम पहले इंस्टॉल करो। पर मैं इसको पहले डाउनलोड करूँगा इस टर्मक्स ऐप को, मैं उस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ऐसे इंटरफेस आया। देखो ऐसे इंटरफेस आने के बाद तुम ऐसे नीचे आओ, नीचे आने के बाद इस टर्मक्स ऐप को यहाँ पर से डाउनलोड करो। मैं पहले से ही यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, यहाँ पर डाउनलोड एपीके है ना, उस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड करो। हाँ, उसको डाउनलोड करने के बाद टर्मक्स पर तुम जाओ, तुम टर्मक्स को इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। अब क्या करो बोलो तो तुम स्क्रीन को थोड़ा जोर से क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसे आइकन आएगा, तुम मोर पर क्लिक करो, मोर पर क्लिक करने के बाद स्टाइल पर क्लिक करो, स्टाइल पर क्लिक करने के बाद ये हमारे को बोल रहा है टर्मक्स स्टाइलिंग ऐप को तुम इंस्टॉल करो बोलकर। हम वहाँ से ही क्रोम ब्राउज़र में ऐसे जाकर हम यहाँ पर ये देखो टर्मक्स स्टाइलिंग ऐप यहाँ पर दिख रहा है, देखो टर्मक्स स्टाइलिंग बोलकर उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड करो, यहाँ पर डाउनलोड एपीके पर क्लिक करो, ये 18 MB का है, ये भी डाउनलोड होकर इसको मैं इसको इंस्टॉल करो, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अब यहाँ पर देखो मैं टर्मक्स स्टाइलिंग ऐप को डाउनलोड कराओ, अब इसको इंस्टॉल करूँगा मैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए पैकेज इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, अब इसको इंस्टॉल करूँगा। ये इंस्टॉल होने के बाद क्या करूँगा बोलते टर्मक्स को ओपन करूँगा। अब देखो ये थोड़ा मिनट में इंस्टॉल होगा, हाँ इंस्टॉल हुआ। देखो इंस्टॉल होने के बाद मैं टर्मक्स पर जाऊँगा, टर्मक्स में जाने के बाद और अब इस पर ही मोर पर क्लिक करूँगा, मोर पर स्टाइल पर जाऊँगा। अब देखो तुम कलर भी चेंज कर सकते हैं, अब मैं लाइट पर क्लिक करूँगा कलर चेंज हो, देखो फंड करूँगा गो करूँगा, ऐसे ही तुम कौन सा भी फंड को कर सकते हैं। मैं ओपन करूँगा ऐसे ही फंड को और कलर चेंज करूँगा इसको कूल एस बोलकर, और फंड को थोड़ा चेंज करूँगा उबंटू करूँगा। यहाँ पर देखो फंड उबंटू करे तो तुम क्या भी कर सकते हैं, पर कमेंट मारूँगा क्या बोलकर। यहाँ पर देखो तुम ऐसे ही थीम को और फंड को चेंज कर सकते हैं टर्मक्स में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।